नमस्कार, LMS किड्स अकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूँ MD मुन्ना। आजकल हम लोग अपने फ़ोन में ही ज़्यादातर ऑनलाइन ट्यूटोरियल पढ़ते हैं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद आ जाते हैं, बट हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम सोचते हैं कि हम इसे बाद में पढ़ लेंगे। और इसके लिए हम लोग उसकी लिंक को कॉपी करके या तो सेव कर लेते हैं या फिर ब्राउज़र में एक बुक मार्क का ऑप्शन होता है, हम उस बुक मार्क का ऑप्शन से उस पेज का लिंक सेव कर लेते हैं। बट ऐसा करने से क्या होता है कि जब हम नेक्स्ट टाइम उस लिंक को ओपन करते हैं तो हमारा मोबाइल का जो इंटरनेट डेटा है वो भी यूज़ होता है। तो क्यों ना हम उस पेज को PDF में सेव कर लें ताकि हमें बार बार इंटरनेट यूज़ ना करना पड़े और हमारा इंटरनेट का डेटा भी बच जाए और हमारे पास परमानेंट एक फ़ाइल हो जिसे हम जब चाहे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन में ब्राउज़र ओपन करना है। तो गूगल क्रोम हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और ऊपर राइट साइड में ये जो तीन डॉट दिए हुए हैं तो इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये लिस्ट आएगी। ये यहाँ पर आप देखेंगे तो शेयर का ऑप्शन दिखेगा, शेयर का ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। हो सकता है कि अगर आप कोई और ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो उसमें डायरेक्ट आपको प्रिंट का ऑप्शन दिखे तो आप वहाँ पर प्रिंट का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अभी देखिए शेयर पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये कुछ शेयरिंग के ऑप्शंस दिए हैं तो ये लिस्ट आपके फ़ोन के अकॉर्डिंग आएगी। आपके फ़ोन में जितने भी ऐप्स डले होंगे शेयरिंग वाले या फिर जो फंक्शंस होंगे शेयरिंग वाले उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिस्ट दिखेगी। तो मेरे फ़ोन में यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपके फ़ोन में भी प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा तो आपको प्रिंट पे क्लिक करना है। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप देखिए ये ब्राउज़र जो है क्या करेगा, उस वेब पेज को इस तरह से ओपन करेगा और ऊपर देखिए यहाँ पर सेव एज़ PDF का ऑप्शन सिलेक्टेड है। अगर आपके फ़ोन में ये सिलेक्टेड नहीं हो तो आप यहाँ से क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि जितने भी उस वेब पेज में पेजेस हैं वो सारे यहाँ पर आ गए हैं। अब इनमें से हो सकता है कि आपको सिर्फ शुरू के दो पेज ही सेव करने हों, बाकी नहीं करने हों, तो उसके लिए क्या करेंगे, पेपर साइज़ के ऑप्शन के बगल में आप देखिए लेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो रेंज ऑफ सिक्स अभी लिखा हुआ है क्योंकि टोटल पेज सिक्स है मेरे इस वेब पेज पे। तो यहाँ पर आपको देना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन कि आप कौन से पेज नंबर्स चाहते हैं। तो अगर सिर्फ वन और टू इस तरह से कॉमा दे के आप एंटर करते हैं, मतलब फर्स्ट जो दो पेजेस हैं सिर्फ वही सेव होंगे। अगर आप 1-5 करते हैं तो शुरू के जो पांच पेज हैं 1 से लेकर 5 तक के जितने भी पेजेस होंगे वो सारे सेव हो जाएंगे। तो आप इस तरह से पेज नंबर खुद से सेट कर सकते हैं कि आपको कितने पेजेस को सेव करना है। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे देखिए सेव का ब्लू कलर में आइकन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेटिंग आपने सेव कर दी और ये यहाँ से सेव होने लगा। अब यहाँ पे आपको फाइल का नाम देना है, किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे अभी हम एंटर कर देते हैं ऐसे ही आउटपुट नाम से और इस पर सेव बटन पे क्लिक करते हैं। अब क्या हो गया, इसने उसको सेव कर दिया। तो अब जब आप अपने फ़ोन में चेक करेंगे तो आपको उस नाम से वो PDF फाइल दिखेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे दिखेगी। हमने ध्यान रखिए टोटल 6 पेजेस थे, हमने सिर्फ फर्स्ट से लेकर फिफ्थ पेजेस तक हमने सेव किए हैं। तो अभी मैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ, डॉक्यूमेंट था तो डॉक्यूमेंट पे जाते हैं और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ही आ गया है ये आउटपुट डॉट PDF नाम का। हमने आउटपुट नाम दिया था अपने फाइल का, इसे ओपन करते हैं। जो भी आपके फ़ोन में PDF देखने के लिए ऑप्शन होगा आप उस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज एंड फिफ्थ पेज, सिर्फ फिफ्थ पेज तक ही हमने सेव किया था तो सिर्फ फिफ्थ पेज तक ही सेव होकर आया है यहाँ पर। तो इस तरह से अब मुझे इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, हम जब चाहें इसे पढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरह से ट्राई करें, अपने फ़ोन में किसी भी वेब पेज को ओपन करें और उसे PDF में सेव करें। अगर आपको कोई भी इशू आया तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट में भी आप आके मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। एंड आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।